कोरोना पॉजिटिव महिला ने एक बच्चे को जन्म देने के बाद अपना दम तोड़ दिया। महिला का पति भी कोरोना पॉजिटिव था। बच्चे को पिता के पास भी छोड़ा नहीं जा सकता था और कोई भी व्यक्ति कोरोना के डर से बच्चे की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। सोलन जिला प्रशासन ने बाल कल्याण समिति से बात की और बच्चे की देखभाल का प्रस्ताव रखा। बाल कल्याण समिति की दो युवतियों को जब इस घटना का पता चला तो उन्होंने मानवता का परिचय देते हुए नवजात बच्चे की जिम्मेदारी उठाने की हामी भरी। दोनों युवतियों ने अपने कोरोना टेस्ट करवाए और पीपीई किट पहनकर बच्चे को शिमला पहुंचाया। वहां पहुंचकर उन्होंने स्टाफ का ज्यादा सहयोग नहीं मिला, इसलिए बच्चे की पूरी देखभाल का जिम्मा इन्हीं युवतियों द्वारा लिया गया। लेकिन युवतियों ने भी हार नहीं मानी और 48 घंटे बिना सोए खाए पिए वे बच्चे की देखभाल करती रही। बाल कल्याण समिति सोलन की चेयरमैन विजय लांबा ने बताया कि युवतियां इस घटना में कोरोना वॉरियर बनकर सामने आई हैं और अपनी जीवन की परवाह किए बिना निस्वार्थ भाव से बच्चे की मदद की है। उन्होंने बताया कि यहाँ तक कि इस नेक कार्य के लिए उन्होंने अपने परिजनों को भी नहीं बताया था, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वे इस बात की जानकारी उन्हें देंगे तो वे मना कर देंगे। उन्होंने बताया कि इस कार्य में युवतियों ने सराहनीय काम किया है, जिस पर बाल कल्याण समिति को गर्व है। उन्होंने कहा कि दोनों युवतियों को बच्चे संभालने का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने दायित्व को बहुत अच्छे ढंग से निभाया है। यही वजह है कि आज वे मासूम बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और अपने पिता के पास है। एक वक्त ऐसा आया था कि जब उस बच्चे को हाथ लगाने से अपने भी डर रहे थे, लेकिन जैसे ही हमें प्रशासन की ओर से पता चला कि कोई बच्चा है जो इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन वाला है, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का स्टाफ वॉलंटियरली आगे आया और इन्होंने कहा कि हमारा केस है और हम देखेंगे, बिना ये देखे कि बच्चा जो है वो कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जबकि इनको ये मालूम था कि बच्चे की मदर कोविड पॉजिटिव थी, पर फिर भी इन्होंने मतलब वॉलंटियरली आके कि मैडम हम लोग जाएंगे और हम बच्चे के लिए करेंगे, हमें बच्चा बचाना है। तो ये इनका बड़प्पन था, जिस तरह से ये लोग आगे आए और बढ़ चढ़ के इन्होंने चार चार दिन और पांच रातें जो है लगातार वहाँ पे ड्यूटी दी, वो भी पीपीई किट में। उनको बिल्कुल भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था और इवन उनको नेपी भी पहनाना नहीं आता था बच्चे को, पर फिर भी उन्होंने वो लोग पीछे नहीं हटे और हिम्मत नहीं हारी, आगे बढ़ के उन्होंने उस बच्चे की जान बचाने के लिए दिन रात एक कर दी। सर, हमने नर्सेज के लिए, नर्सिंग वाले पार्ट के लिए उनसे रिक्वेस्ट की। डीसी सर ने, हमारे डीसी सर जो हैं केसी चमन जी, उन्होंने भी एमएस सर से बात की, डॉक्टर जनक राज से, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हमारे पास ये कोविड के दौर में काफ़ी लोग जो है मेडिकल स्टाफ के कोविड पॉजिटिव आ गए हैं, जिसकी वजह से हम आपको सेपरेटली किसी भी नर्स को प्रोवाइड, कोई भी नर्स या मिडवाइफ प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो सारा जो नर्सिंग का काम था वो भी हमारे ही स्टाफ ने किया। कोरोना योद्धा युवतियां किरण और सुमन से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें जब इस घटना का पता चला तो उनका एकमात्र लक्ष्य उस मासूम बच्चे की जान बचाना था, जिसकी मां अब इस दुनिया में नहीं थी। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि उन्होंने कोरोना संक्रमण का डर लिए बिना ही उस बच्चे का ख्याल रखा। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा सुअवसर जिंदगी में दोबारा मिलता है तो वे फिर से इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने बच्चे की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन जब वे अस्पताल पहुंचे तो सभी ने उनसे दूरी बना रखी, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ी पीड़ा जरूर पहुंची है। इसलिए सभी को इस संकट काल में अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आज वे बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, इसलिए वे बेहद खुश भी हैं। सर, जैसे हमें प्रशासन की तरफ से केस आया था हमारे पास, तो हमने जैसे पहले फादर ने मना कर दिया था देने से, फिर जब कंसेंट आई तो हम बिना ये सोचे समझे कि हमें भी ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि उस टाइम सर माइंड में एक ही चीज़ थी हमारे कि बच्चे को सेव करना है। और कैसे सेव करना है, बस कोई भी कंडीशंस हो बस उसको आईजीएमसी तक पहुंचाना है। उस टाइम ये भी माइंड में नहीं था कि हम पॉजिटिव आएंगे, अगर मतलब मेरे माइंड में ये था कि अगर पॉजिटिव भी आ जाएगा तो शायद मैं ठीक भी हो जाऊंगी, अगर बच्चा टाइमली वहाँ पे ना पहुंचता तो शायद वो ठीक ना हो पाता, सर्वाइव ना कर पाता। चार दिन तक हमने पीपी किट डाल के रखी हुई थी वहाँ पे, पाँचवें दिन उसको नर्सरी में फिर शाम के टाइम शिफ्ट कर दिया गया था।
पीपी किट में थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही थी कि हमें ये कि हम प्रॉपरली इधर उधर तो कहीं पे भी नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि जो वहाँ पे जो रूम था वो स्पेशली हम हमारे बच्चे के लिए ही था, तो उसी में ही थे हम, ना हम बाहर निकल रहे थे। बस एक आदमी जो बाहर, अगर बाहर का काम देख रहा है तो वो बाहर का देख रहा है, एक जो अंदर का देख रहा है वो अंदर का बेबी के साथ ही देख रहा है। घर पे बताया नहीं था पहले, तो इतना बड़ा केस था, रिस्क था, तो सर घर पे बताया नहीं था हमने इस तरह से कुछ भी। जब बच्चे की रिपोर्ट नेगेटिव आई तब घर में फोन करके बताया कि ऐसा ऐसा है, क्योंकि बच्चे की रिपोर्ट 48 घंटे बाद आनी थी ना। बच्चे का एकदम से कोरोना टेस्ट नहीं होता, 48 आवर बाद होता है, तो फिर उसी के बाद बताया घर में। तो आपको नहीं डर लगा कि हाँ ये बच्चा पॉजिटिव हो सकता है, तो आप उसकी केयर भी कर रहे हैं? सर जब बच्चा दिखा ना, इतना मासूम इतना छोटा, उसको देख के ये लगा कि इसकी जान बचानी है बस, तब नहीं कोई डर था मन में, एक मिनट के लिए भी लगा। हॉस्पिटल में ना हम 24 घंटे उसी के साथ थे, जबकि लोग वहाँ हॉस्पिटल में हमारे से दूर जा रहे थे कि हमारे को भी खतरा हो सकता है आप लोगों से। जो वहाँ पे साथ में था ना एक वार्ड बच्चों का, तो वो लेडीज हमारे को मना करी थी कि मतलब आप यहाँ मत आओ, बच्चे खतरा हो सकता है, आपको भी हो सकता है। हमारे को तो सर बहुत खुशी हुई कि हमारी वजह से एक बच्चे की जान बची, मतलब बहुत बड़ी बात है, और इतना छोटा बच्चा। सर मेन यही था कि इतना कुछ किया तो बच्चे की जान बच जाए। बाकी सर ये कि हमारे ऑफिस से भी, हमारे ऑफिस का स्टाफ और लांबा मैम सर बहुत सहयोग किया हमारे को, हर मतलब हर बार फोन पे पूछते रहे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब कुछ कोऑपरेट किया बहुत ज्यादा।